ओम शांति। 25 जनवरी 2022। अभी सुनेंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की विस्तार से मुरली। मीठे बच्चे, यह तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप को याद करना है। निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। प्रश्न, बाप के पास किस बात का भेद नहीं है? उत्तर, गरीब व साहूकार का। हर एक को पुरुषार्थ से अपना उच्च पद पाने का अधिकार है। आगे चल सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवाज। इसलिए अभी गरीब बच्चों को ही सब आशाएं पूरी होती है। यह अंतिम समय किसी की दबी रहेंगी धूल में। जो बाप को इंश्योर करते हैं उनका सफल होता है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। इसका अर्थ तो बिल्कुल सिंपल है। हर एक बात सेकंड में समझने की है। सेकंड में बाप से वर्षा लेना है। बच्चे जानते बेहद का बाप आ गया है, परंतु यह निश्चय भी कोई कोई को स्थायी बैठता नहीं है। जैसे लौकिक संबंध में माँ बाप को बच्चा पैदा होता है तो झट समझ जाता है कि यह जन्म दे और पालना करने वाली है, तो यहाँ भी झट समझना चाहिए ना। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति के बाद ही भगवान आते हैं। अब भक्ति कितना समय चलती है, कब शुरू होती है, ये दुनिया में कोई नहीं जानते हैं सिवाय तुम बच्चों के। तुम बता सकते हो भक्ति कब से शुरू हुई है? मनुष्य तो कहेंगे परंपरा से चली आती है। ज्ञान और भक्ति दो चीज़ें जरूर है। कहते हैं यह अनादि चलती आती है, परंतु अनादि का भी अर्थ नहीं समझते हैं। यह ड्रामा का चक्र अनादि काल से फिरता रहता है, उनका आदि अंत नहीं है। मनुष्य तो गपोड़े लगाते रहते हैं, कभी कहते इतने वर्ष हुए, कभी कहते इतने वर्ष हुए। बाप आकर सब सिद्ध कर बताते हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से कोई बाप की प्राप्ति तो नहीं होगी। बाप की प्राप्ति तो सेकंड में होती है, सेकंड में जीवन मुक्ति। यह भी किसी को पता नहीं कि बाप कब आते हैं। कलप की आयु लंबी कर दी है। अब बाप तो जानते हैं और बच्चे भी सब कुछ जानते हैं, परंतु वंडर यह है जो 10-20 वर्ष में भी कोई पूरा निश्चय नहीं होता है। निश्चय होने के बाद फिर तो कभी कह न सके कि यह हमारा बाप नहीं है। है भी बहुत सहज। तुमको तो बच्चा बनने में भी बहुत टाइम लगा है। 10-20 वर्ष में भी पूरा निश्चय नहीं हुआ है। अब तुम किसी को परिचय देते हो तो सेकंड में निश्चय हो जाता है। जनक की बात भी पिछाड़ी की है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है जो झट किसी को निश्चय हो जाए। बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी भवो। यह जो अनेक देह के धर्म है उनको छोड़ो। असूल तो एक धर्म था ना, एक से ही वृद्धि होगी ना। यह है ही वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़। मनुष्यों की बात है, वैरायटी धर्मों के झाड़ को भी जानना पड़े। धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है, परंतु उनों को पता नहीं है कि पहले पहले पूज्य धर्म कौन सा है। बुद्धि में आना चाहिए। भारत प्राचीन धर्म वाला है, जो जरूर प्राचीन धर्म परमपिता परमात्मा ने ही रचा होगा। भारत में भी गाया जाता है शिव जयंती, मंदिर भी ढेरों के ढेर। तो सबसे बड़े से बड़ा मंदिर बाप का है निर्वाण धाम, जहाँ हम आत्माएं भी बाप के साथ रहती है। मंदिर रहने का स्थान होता है ना, तो यह महातत्व कितना बड़ा मंदिर है। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि ब्रह्मा तत्व जो सबसे ऊँचे से ऊँचा मंदिर है, हम सब वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ सूर्य चांद नहीं होते हैं, क्योंकि रात दिन नहीं होता है। असल हमारा रूहानी मंदिर वह निर्वाण धाम है, वही शिवालय है जहाँ हम शिव बाबा के साथ रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं उस शिवालय का रहने वाला हूँ, वह है बेहद का शिवालय। तुम शिव के बच्चे भी वहाँ रहते हो, वह है इनकॉर्पोरियल शिवालय। फिर कॉर्पोरियल में आते हैं तो यहाँ रहने का स्थान बनेगा। अभी शिव बाबा यहाँ है, इस शरीर में बैठा हुआ है। यह है चैतन्य शिवालय जिससे तुम बातचीत कर सकते हो। वह निर्वाण धाम भी शिव बाबा का शिवालय है, जहाँ हम आत्माएं रहती है। वह घर सबको याद पड़ता है। वहाँ से हम आते हैं पाठ बजाने, सतो रजो तमो में। उसमें हर एक को आना ही है। यह बात दुनिया में किसी की बुद्धि में नहीं है। जो भी आत्माएं हैं सब उन सबको अपना अपना अनादि पाठ मिला हुआ है, जिसकी न आदि है न अंत है। तुम बच्चे जानते हो, हम
असल उस शिवालय के रहने वाले हैं। शिव बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उनको भी शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, वहाँ भी बच्चे ही रहते हैं। उनको यह राज्य भाग्य किस कैसे मिला, वह है सतयुग का आदि। अभी है कलयुग का अंत, तो सतयुग में देवी देवताओं को हेविन का मालिक किसने बनाया, यहाँ भी किसने अच्छे अच्छे खंड है। अमेरिका सबसे फर्स्ट क्लास खंड है, बहुत पैसे वाला और ताकत वाला भी है। इस समय सबसे हाईएस्ट है, बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, परंतु उनके साथ साथ राहु की भी दशा बैठी हुई है। इस समय राहु की दशा तो सबके ऊपर बैठी हुई है, विनाश तो सबका होना है। भारत जो सबसे साहूकार था, अब भारत गरीब है। यह सब कुछ माया का भपका है, माया का फूल फोर्स है, इसलिए मनुष्य इनको स्वर्ग समझते हैं। अमेरिका में देखो क्या लगा पड़ा है, मनुष्य आकर्षित हो जाते हैं। बॉम्बे भी देखो कितना फैशनेबल हो गया है, आगे थोड़ी ऐसा था, माया का पूरा पॉम्प है। कितने 8-10 मंजिल के महल बनाते हैं, स्वर्ग में थोड़े इतनी मंजिल होती है, वहाँ डबल स्टोरी भी नहीं होती है, यहाँ ही बनाते हैं, क्योंकि ज़मीन नहीं है, ज़मीन का बहुत भाव बढ़ गया है, तो मनुष्य समझते हैं यही स्वर्ग है, प्लान बनाते रहते हैं। परंतु कहते हैं नर चाहत तो कुछ और, मनुष्य कितनी चिंता में रहते हैं। मौत तो सबके लिए है, सबके गले में मौत की फांसी है। अभी तुम भी फांसी पर हो, तुम्हारी बुद्धि वहाँ नहीं दुनिया में लगी हुई है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय है, इसलिए बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, मैं खुद तुमको वो डायरेक्शन देता हूँ कि तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं सबको लेने के लिए आया हूँ। मच्छर सदृश तुम सबको जाना पड़ेगा, 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, अब मुझे जीते जी याद करो, हम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, और कोई भी स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी नहीं करते। अगर स्वर्ग में जाने की खुशी हो तो फिर बीमारी भी दवाई आदि भी न करें। तुम जानते हो वह स्वर्ग में जाते नहीं है। अब हम स्वीट होम में जा रहे हैं, वह है गॉडफादर का होम अथवा रूहानी शिवालय, फिर सतयुग को जिस्मानी शिवालय कहा जाता है। उस स्वर्ग में जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात मशहूर है, जब रात पूरी होती है तो मैं आता हूँ। लक्ष्मी नारायण का दिन और रात नहीं कहेंगे, बल है वही, परंतु ब्रह्मा को दिन और रात का ज्ञान है, वही लक्ष्मी नारायण का यह ज्ञान नहीं। इसलिए ब्रह्मा और ब्राह्मण ब्राह्मणियों समझते हैं कि शिव की रात्रि कब होती है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है, शिव है निराकार, वह कैसे आए यह भी पूछना पड़े ना। शिव जयंती पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। राजधानी स्थापन हो रही है, अभी बहुत छोटा झाड़ है और इस झाड़ को तूफान आते हैं, और झाड़ों को इतने तूफान नहीं आते, उसमें तो एक के पिछाड़ी और सब आते जाते हैं। यह तुम्हारा नया जन्म है, माया के तूफान भी सामने खड़े हैं, और किसी को तूफान का सामना नहीं करना पड़ता है। या धर्म की स्थापना में माया के तूफान आते हैं, बहुत ऊँची मंजिल है, विश्व का बादशाह बनना कोई नई बात नहीं है। अनेक बार तुमने इस तूफान से पार होकर अपना राज्य भाग्य लिया है। जो जिस रीति पुरुषार्थ करता है उनका साक्षात्कार होता जाता है, जितना आगे चलेंगे तुमको साक्षात्कार होगा कि यह कौन सा पद पाएंगे, मालूम तो पड़ता है ना कि यह कैसा पुरुषार्थ करता है। गरीब अथवा साहूकार की बात नहीं है, गीत भी सुना कि आखिर वह दिन आया आज, गरीब निवाज बाबा आया। बाबा कहते हैं मुझे कोई साहूकारों को धन नहीं देना है, वह तो है ही साहूकार, उनों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है, करोड़पति है। आगे करोड़पति कोई मुश्किल होता था, अभी तो करोड़ मनुष्यों के पास दीवारों में छिपे पड़े हैं, परंतु यह किसी के काम आने नहीं है, पेट कोई ज़्यादा नहीं खाता है। ठगी से पैसे इकट्ठे करने वालों को नींद नहीं आती होगी, पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट छापा न मारे। बाप कहते हैं याद रखना यह अंतिम समय है, अब किसकी दबी रहेंगी धूल में, सपली होगी साई जो खर्च नाम धनी के, धनी तो अब स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब तुम बाप के पास अपने को इंश्योर करो, मौत तो सामने खड़ा है, सब आशय तुम्हारी अब पूरी होती है।
बाप गरीबों को उठाते हैं, साहूकार को, साहूकार का 1,000, गरीब का 1 रुपया, 1 समान। अक्सर करके गरीब ही आते हैं, किसी का 100 पगार, किसी का 150। दुनिया में तो मनुष्यों के पास करोड़ों है, उनों के लिए यह स्वर्ग है। वह कभी नहीं आएंगे, ना बाबा को दरकार है। बाबा कहेंगे तुम भल अपना मकान आदि बनाओ, सेंटर खोलो, हम पैसा क्या करेंगे। सन्यासी लोग तो बहुत फ्लैट आदि बनाते हैं, उनके पास बहुत मिल्कियत रहती है। यह रथ भी अनुभवी है। अब मैं आया हूँ गरीबों को साहूकार बनाने, तब तो अब हिम्मत करो। करोड़पति जो है उनके पैसे कोई काम में आने वाले नहीं है, या पैसे आदि की कोई बात नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं मनमना भवो, खर्चे की बात नहीं है। यह मकान बनाया, यह भी बड़ा सिंपल, सो भी अंत समय तुम्हारे ही रहने के लिए है, तुम्हारा यादगार यहाँ खड़ा है। अभी फिर चैतन्य में स्थापना कर रहे हो, फिर यह जड़ यादगार खलाश हो जाएंगे। तुमको यह लिखना चाहिए कि आबू में आकर जिसने यह मंदिर नहीं देखा और इनों को एक्यूपेशन को नहीं जाना तो कुछ नहीं देखा। तुम कहेंगे हम वही चैतन्य में अब बैठे हैं, इन जड़ चित्रों का राज समझा सकते हैं। कहेंगे यह है, यह हम है, हमारा जड़ यादगार बना हुआ है, वंडरफुल मंदिर यह है, वंडर है ना। मम्मा बाबा और बच्चे यहाँ चैतन्य में बैठे है, जहाँ जड़ चित्र खड़े है, मुख्य है ये शिव, ब्रह्मा जगदम्बा और लक्ष्मी नारायण। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बाप को बाप का न बन और बाप को फारकती दे देते हैं, यह भी कोई नई बात नहीं है। बाप का बन फिर भागंती हो जाते हैं, भागंतियों का भी हम चित्र रख सकते हैं। अगर पक्का निश्चय है तो अपना राजा का चित्र बना लो, तो स्मृति रहेंगे कि हम भविष्य में डबल सिद्धार्थ स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर बाप को छोड़ दिया तो आज गिर पड़ेगा, यह बड़ी वंडरफुल बात समझने की है। बाप को याद करो, उनसे ही वर्षा मिलता है, उनको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। भविष्य के लिए बाबा तुमको लायक बना रहे हैं। मनुष्य दान पुण्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, वह है अल्पकाल की प्राप्ति। तुम्हारी तो इस पढ़ाई से भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनती है। कोई माता पिता की आज्ञा पर पूरा चले तो एकदम तार जाए, माता पिता भी खुश होंगे। अमल में वही लाते जो अमल में नहीं लाते हो तो पद भी कम हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं निष्कामी हूँ, अभोक्ता हूँ, मैं यह टोली आदि कुछ भी नहीं खाता हूँ। विश्व की बादशाह भी तुम्हारे लिए है, यह खान पान भी तुम्हारे लिए है, मैं तो सर्वेंट हूँ। मेरे आने का टाइम भी मुकरर है, कलब कलब अपने बच्चों को राज्य भाग्य देकर मैं विनिर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। बाप को शल कोई न भूले, बाप तो तुमको स्वर्ग की बादशाह देने आए हैं, तो भी तुम उनको भूल जाते हो। किसी को बाप का परिचय देने का भी बहुत सहज तरीका बताया है। पूछो परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है, दोनों बाप है, वह निराकार ये साकार। बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षा कैसे मिलेगा, श्रीमद् भगवान की मिलती है, श्रीमद् से ही तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, माया के तूफानों से पार करते हुए बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है, माता पिता की आज्ञाओं पर अमल में लाना है। दूसरी पॉइंट, पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करना है। मौत के पहले बाप का पास स्वयं को इंश्योर कर देना है। वरदान, बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने के वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। सदा ये स्मृति रहे कि मालिक के साथ बालक भी है और बालक के साथ मालिक भी है। बालक बनने से सदा बेफिक्र डबल लाइट रहेंगे और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। राय देने के समय मालिक और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक, यह बालक और मालिक बनने की भी एक सीढ़ी है। यह सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। स्लोगन है, जो पुरुष आत्मा समझ रथ
शरीर द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। सेवा व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ भी दिखाई न दे, संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ, ऐसी लवलीन स्थिति में रह हर एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू।